हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारा पॉलिटिका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा पॉलिटिका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची, यानी कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि आप दोबारा मत इनको ना भूलें, ठीक है। और हमारा पिछला जो पॉलिटिका जातक हो चुका वो आपने देख लिया होगा, चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में अगर पूछा जाए, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन बाद में क्या हुआ, संविधान में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और अमेंडमेंट संशोधन के बाद ये टोटल अनुसूचियां कितनी होगी, 12, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, टोटल संविधान में अनुसूची पहले 8 थी, अब कितनी होगी, 12। अगर संविधान में भाग, स्टार्टिंग में कितने भाग थे संविधान में, 22, लेकिन अब कितने हो चुके हैं, 25, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि संविधान में स्टार्टिंग में अनुच्छेद कितने थे, तो स्टार्टिंग में अनुच्छेद थे 395, लेकिन अब 450 से भी ज्यादा हो चुके हैं, अप्रोक्स 450, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। आज हमारा टॉपिक क्या है, संविधान की अनुसूचियां, यानी कि जो ये 12 अनुसूची है 1 से लेकर 12 तक बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपको कोई बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए, प्रथम अनुसूची बोलूं या मैं प्रथम अनुच्छेद बोलूं या मैं प्रथम भाग बोलूं, तो इन सब में एक ही बात बोली गई कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यानी कि प्रथम अनुसूची में यह बात बोली गई कि भारत में 29 राज्य होंगे और 7 क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब जब से धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से 28 राज्य हो चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट की बात करूं मैं, तो राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9, यानी कि ये 2 बढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, अब आई द्वितीय, दूसरी में क्या बोला गया है, दूसरी में बोला गया वेतन व भत्ते, क्या, वेतन एवं भत्ते, दूसरी अनुसूची में क्या, वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अच्छा हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, ठीक है, और हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के जो वेतन एवं भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में मेंशन किया गया है, दूसरी अनुसूची में। इतनी बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले कोई बंदा अपॉइंटमेंट के लिए जाता है तो क्या बोलता है कि साहब मेरे को पेमेंट कितनी मिलेगी, अब बात हो चुकी पेमेंट की, उसको बोल दे सेकंड अनुसूची में क्या आया कि पेमेंट। अब मेरे को ये लगे कि हाँ मेरी तनख्वाह ठीक है, अब मैं काम कर सकता हूँ, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, अब मेरे को जॉब पे जाना चाहिए। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, क्या है, शपथ, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, पीएम को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, हमारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है, ये सारी बातें कहां पर है, तीसरी अनुसूची में। इतनी बात समझ में आई। तीसरी अनुसूची में क्या बात है कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, पूरा मंत्रिमंडल, इन सबको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी बातें कहां पर है, तीसरी अनुसूची के अंदर है। अब आइए चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में, क्या, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, यह बात कहां पर है, चौथी अनुसूची में, यानी कि सीटों का बंटवारा कहां पर होगा, और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, अपने 29 राज्य प्लस, देखिए जो राज्यसभा में जो बंदे सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पर यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था बार बार, जो राज्यसभा में सिलेक्ट होते हैं वो 29 तो राज्यों से सिलेक्ट होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश,
कितने? दो केंद्र शासित प्रदेश। आप ये मत सोचना कि सारे केंद्र शासित प्रदेश यानी जो सात के साथ है वहां से राज्यसभा के बंदे सिलेक्ट होते, नहीं वहां से नहीं होते, सिर्फ दो से होते हैं। और वो दो कौन कौन सी है मैं यहां पर लिख देता हूं, एक दिल्ली और सेकंड क्या है पुदुचेरी। ठीक है, यानी कि सिर्फ दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां से हमारे राज्यसभा के बंदे मनोनीत किए जाते हैं, बाकी पांच राज्यसभा जो पांच केंद्र शासित प्रदेश बच गए वहां से हमारे राज्यसभा के अंदर कैंडिडेट नहीं भेजे जाते। ठीक है, और उसके बाद एक फिर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, दिल्ली को यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 को। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यानी कि जो राज्य यानी कि चौथी अनुसूची में क्या बात बोली गई है कि जो राज्यसभा में जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो 2900 राज्य से होंगे और दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, पांचवी और छठी ये दोनों एक साथ ले लो आप। ठीक है, पांचवी और छठी यानी कि देखो पांचवी और छठी अनुसूची में क्या बोला गया है कि जो भी हमारे एससी एसटी हैं, यानी कि जो भी एससी एसटी हैं, यानी कि एससी एसटी जनजातियां हैं, जो भी जनजाति ठीक है उनके प्रशासन प्लस नियंत्रण, ठीक है यानी कि जो पांचवी अनुसूची है एससी एसटी कैटेगरी व एससी एसटी की जाति व जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि इनके ऊपर प्रशासन कैसे किया जाएगा, इनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें कहां पर है हमारी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है। कहां पर है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर एससी एसटी की जगह अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में कहां पर बताया गया है पांचवी अनुसूची में। अब आओ छठी में, छठी में सिर्फ हम एक वर्ड लेंगे ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के नियम देखो यहां पर तो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों, लेकिन यहां पर क्या है अनुसूचित जनजाति और वो भी कहां की, मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, यानी छठी जो अनुसूची है वहां पर क्या है सिर्फ अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताएगा, वो भी कौन कौन से स्टेट, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और इसकी ट्रिक क्या बनेगी, ममता। क्या ट्रिक बनेगी, ममता, MMTA ममता। ठीक है, यानी कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो जनजातियां हैं, यहाँ की जो जनजातियां हैं उनका नियंत्रण और उनके ऊपर प्रशासन कहां कौन सी में किया जाएगा, छठी अनुसूची में। सातवीं देखिए, सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया, शक्तियों का बंटवारा। किसका, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर होगा, ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है कि सातवीं अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूची है, तीन प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची,
फर्स्ट क्या है, राज्य सूची, और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कि जो सातवीं अनुसूची में क्या बोला गया है कि शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर होगा, और तीन प्रकार की अनुसूची दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और अब इसमें क्या होगा कि शक्तियों का बंटवारा किस हिसाब से होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो और मैं इसको रफ कर देता हूं। हम कहां पर थे, सातवीं अनुसूची पढ़ रहे थे। सातवीं अनुसूची में हमने क्या देखा था कि शक्तियों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, और शक्तियों का विभाजन हमने तीन पार्टों में कर दिया, एक संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची या केंद्र सूची में स्टार्टिंग में जब मूल संविधान था तो उसमें 97 विषय थे, टोटल कितने विषय थे, 97, लेकिन अब कितने विषय हो गए, 100। कितने विषय हो गए, 100। राज्य सूची में पहले कितने थे, 66, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए, और कितने हो गए, 61। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47, और अब कितने हो गए, 52। देखिए क्या होता है, संघ सूची या केंद्र सूची में कानून कौन बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती, में कौन बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में कानून बनाएगी। लेकिन अगर दोनों के अंदर हो जाता कोई विवाद या कोई हो जाता कोई झगड़ा तो चलेगी किसकी, केंद्र सरकार की, इसकी चलेगी, केंद्र सरकार की। ठीक है, इतना समझ में आ गया, केंद्र सरकार की चलेगी, ये टॉपिक आपका खत्म। लास्ट एक अब क्या बचता है, आठवीं अनुसूची। क्या आठवीं अनुसूची, कौन सी आठवीं, अब कौन सी है आठवीं। देखो आठवीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया, भाषा का, किसका जिक्र किया गया, भाषा का। अगर मैं बोलूं कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र उल्लेख किया गया है तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, कितना, 14 भाषाओं का। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब टोटल कितनी भाषाएं हैं, अब है 22। अब टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया, 14 भाषाओं का। बार बार क्या हुआ, संविधान में संशोधन हुए और कुछ भाषाएं ऐड की गई। सबसे पहले एक संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत क्या हुआ कि एक और भाषा को ऐड किया गया जिसका क्या नाम था, सिंधी। कौन सी भाषा को ऐड किया गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को ऐड किया गया। ठीक है, अब भाषा टोटल कितनी होगी, 14 और एक 15। अब इसके बाद एक और संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब तीन भाषाओं को ऐड किया गया, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी भाषाओं को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कितनी भाषाएं होगी टोटल। ठीक है, 15, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब आएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। अब चार भाषाओं को ऐड किया गया, कौन सी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, अब कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया यहां पर, चार। देखो 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. टोटल कितनी भाषाएं संविधान के अंतर्गत? 22. कौन से अनुसूची में जिक्र किया गया भाषाओं का? 8वीं में. सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ? 21वां 1967 को सिंधी को ऐड किया गया. फिर 71वां 1992 को कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड किया गया. फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 मैथिली संथाली डोगरी बोडो को ऐड किया गया. ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक था कि जो मूल संविधान में, अगर मैं पूछूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8. वो 8 अनुसूची क्या हो चुकी है हमारी, हो चुकी कंप्लीट. अब बाकी बचती 4, वो 4 देखते हैं क्या क्या थे. ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूं, 4 में से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं. ठीक है, अब 9वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया संविधान में? संविधान में प्रथम संशोधन के तहत 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951. प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किसको ऐड किया गया? 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया. और ये किससे रिलेटेड थी? संपत्ति या भूमि से रिलेटेड. स्टार्टिंग में, और इसमें टोटल कितने अधिनियम है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें टोटल 284 कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम. कितना अधिनियम है? 284. अब देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में या कानून में इनकी अपील नहीं की जा सकती थी. यानी कि स्टार्टिंग में जो भी संपत्ति से मामले थे या भूमि से रिलेटेड जो भी मामले थे, इनकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे, यानी कि दायर याचिका नहीं कर सकते थे. लेकिन 11 जनवरी 2007, को क्या बोला गया कि संपत्ति से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उनकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं. स्टार्टिंग में मना कर दिया, और फिर क्या बोला गया कि जो भी संपत्ति के मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में हम उनकी अपील कर सकते हैं या उनको दायर कर सकते हैं. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है, ये टॉपिक खत्म. अब आया 10वीं अनुसूची. 10वीं अनुसूची का थोड़ा फंडा है अलग से, मैं आपको इसको रफ कर देता हूं और ये समझाना पड़ेगा थोड़ा डीपली आपको. 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को हम बोलते हैं दल बदल कानून. क्या बोलते हैं? दल बदल कानून. या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 को क्या किया गया? ऐड किया गया. अब देखो क्या हुआ, एक अपने हरियाणा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयाराम. मैं इनको रफ कर देता हूं. एक हरियाणा का व्यक्ति था जिसका नाम था गयाराम. उसने क्या किया, एक रात के अंदर 3 पार्टी बदल ली. क्या की? एक रात के अंदर 3 पार्टी बदल ली. इस केस को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या सोचा कि ऐसे तो क्या होगा कि सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई एक पार्टी टिक नहीं पाएगी, और इसे क्या होता, पार्टी का नाम भी खराब होता है, और व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो इज्जत होनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कम से कम वो एक पार्टी में रहे. इस कारण क्या हुआ कि 10वीं अनुसूची में एक कानून बनाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, दल बदल कानून. और दल बदल कानून का मतलब कब आया, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को. ठीक है, अब इसमें सरकार ने क्या बोला, इसमें क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति, अगर देखो इसमें क्या होता है कि दल बदल कानून में अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के विपक्ष में वोट करता है, अपनी पार्टी मान के चलो कि उसकी भारतीय जनता पार्टी है,
और भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लेकर आना चाहती है, क्या लेकर आना चाहती है, बिल, क्या लेकर आना चाहती है, कोई बिल लेकर आना चाहती है और उस बिल के खिलाफ वोट कर देता है, उस बिल के अपोजिट में वोट कर देता है, तो उसे क्या कर दिया जाए, उसके ऊपर कौन सा कानून लगेगा, दल बदल कानून लगेगा और उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पहला ऑप्शन लिखिए। सेकंड क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने के 6 महीने बाद, शपथ लेने के 6 महीने बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी कौन सा कानून लग जाता है, दल बदल कानून, और उसको क्या कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसे निकाल दिया जाए तो वो 6 साल, क्या टाइम पीरियड कितना, 6 साल कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये बात समझ। अब देखो दल बदल कानून ना लगने के कारण अगर किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य, अगर किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य पूरी की पूरी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। ठीक है, तो दल बदल कानून क्या होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं इनको रफ कर देता हूं। अब हमारी 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 जोड़ा गया। ठीक है, देखो आपको किसी बुक में मिलेगा 92, किसी बुक में मिलेगा 93। इसका क्या कारण है, जो ये 73वां संविधान संशोधन है ये बिल कब लेकर आया गया, 1992 को, और ये पास कब हुआ, 1993 को, इसलिए दोनों डेट साथ लेकर चलनी पड़ती है, 1992 और 93। इसमें क्या है, पंचायती, पंचायत, 11वीं अनुसूची में क्या, पंचायत, और इसमें टोटल 29 विषय है, कितने विषय है, 29, कितने विषय है, टोटल 29 विषय। अब ये 29 विषय कैसे है, जैसे गांव में सरपंच का क्या काम है, गांव में सरपंच प्रशासन को कैसे चलाता है, गांव में सफाई किस हिसाब से रखनी है, गांव में जो पंच होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति किस हिसाब से करनी है, गांव में जो काम करवाना है किस हिसाब से करवाना है, गांव का बजट कितना होगा, ये सारी की सारी बातें कहां पर है, पंचायत में। और इसमें टोटल कितने विषय हैं, ये 29 विषय, इन विषय के अंदर ये सारी बातें। अब 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, इसमें क्या है, नगरपालिका, क्या है, नगरपालिका, इसमें क्या है, नगरपालिका, और इसमें अगर विषय पूछे जाए तो टोटल कितने विषय हैं, 18 विषय। ठीक है, कि नगर निगम में सफाई कैसे रखनी है, उनका देखरेख कैसे करनी है, काम कैसे करवाना, ये सारे विषय कहां पर है, नगरपालिका में। इसको कब ऐड किया गया था, 74वां संविधान संशोधन 1993 को। ठीक है, 1992-93 सेम डेट है दोनों की, कोई अलग फर्क नहीं है इनमें। इसमें टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय। ठीक है, 12 की 12 अनुसूची हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा, और जरूर रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप कम से कम शेयर जरूर करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके।